नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है ट्रेन की एक्सीडेंट का, यानी उड़ीसा में हुए जो हादसे हुए उसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले उसमें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हमारे लोगों की जाने गई हैं। 288 लोगों की जाने गई हैं, करीब 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उनको जल्दी जल्दी स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। और हम इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर में ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या आगे भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेन के सफ़र जो है, लोग बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम सबसे सुरक्षित अगर यात्रा है तो ट्रेन की सुरक्षा है, ट्रेन की यात्रा है। तो सर, आप क्या कहेंगे इस बार जो हादसा हुआ है उड़ीसा में, 3 ट्रेनें टकराई हैं और काफ़ी ये दुखद घटना है। ये पूरा देश स्तब्ध है इसको देख के। इसमें मासूम लोगों की जाने गई हैं। क्या ये हादसा टाला जा सकता था? जो दिखा रहे हैं सुबह से टीवी पे, उससे तो लगता नहीं है टाला जा सकता था। वो एकदम, मतलब क्या अभी बोलेंगे उसके बारे में। सर, जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जब देखते हैं कि ट्रेनें इतनी स्पीड पे चलती है, 160, 150, 140 की स्पीड चलती है, और एक गटर के ऊपर ट्रैक के ऊपर बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड ट्रेनें जो आ रही हैं, सर उसको देख के सुरक्षा लेके तो काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये जो दो ट्रेनें जो इसमें मानवीय गलती है सर पूरी, मैं मानता हूँ, अभी तो जाँच का विषय है, इसको हम नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन इसमें सर, जब मालगाड़ी तीसरी लाइन पर खड़ी है, यानी लोकल लाइन पर खड़ी है, और जो एक्सप्रेस जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है जो चेन्नई की तरफ जा रही थी, तो उसको सीधा अगर जिसको जाना था तो बाजू वाले मालगाड़ी जहाँ खड़ी वहाँ पर कैसे गई? इसका मतलब मानवीय भूल कुछ तो है। यानी उसको पटरी क्रॉस करने का जो सिग्नल है उसको ऑफ कर दिया गया था। यानी सीधा ट्रेन जाने बजाय जो है 120 की स्पीड में वो मालगाड़ी टकरा जाती है। और सीधी बात है, 120 की स्पीड में अगर मालगाड़ी टकराएगी, सारे बोगी जो उसके जो है आगे पीछे सब गिर जाएंगे। और तीसरी ट्रेन जो है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो आ रही है, वो तो बुरी तरह से उसके ऊपर भिड़ जाएगी, क्योंकि 150 की स्पीड से वो आ रही थी। और शाम का समय था, ज़्यादा करके लोग जो है मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे सब, और हादसे के शिकार हो गए। जो तीसरी ट्रेन अगर नहीं टकराई होती तो मेरे ख्याल से हादसा का ये थोड़ा कम होता था। यानी जो 288 मरे उसमें 100 के अंदर ही रहते। जब सर इतनी बड़ी हादसा हुई मालगाड़ी के ऊपर, जब ये टकराई, तो क्या उस समय उस ट्रेन को रोका जा सकता था? सर, मैं असल में बोलूँ, ये ऐसी दुखद घटनाएं जब होती है ना, तो मैं बधिर हो जाता हूँ, एकदम ब्लैंक और सब ब्लॉक हो जाता। रोका जा सकता था सर? अच्छा, तो बिल्कुल रोका जाता। जब वो न्यूज़ का हेडलाइन भी यहाँ दिखाते हैं ना, तो एक बार देख लिया फिर आग बंद कर लेता हूँ, क्योंकि वो सर सहन नहीं होता मेरे से। आजकल जो सिस्टम है, वॉकी टॉकी सिस्टम है, गार्ड के पास वॉकी टॉकी होता है, मोटरमैन के पास वॉकी टॉकी होता है, और बीच में पुलिस भी रहती है, हर डब्बे में लगभग पुलिस भी रहती है। तो क्या उन्होंने कंट्रोल को बताया नहीं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी ट्रेन ना आने पाए वहाँ पर? ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको तीसरी ट्रेन को क्यों नहीं रोका गया? ये सबसे बड़ा सवाल है सर, जिसका सवाल कोई नहीं उठा रहा है। फिलहाल जांच का विषय है, जांच में तो कुछ ना कुछ आएगा ही सामने, किसकी गलती है। जब मालगाड़ी बाजू में खड़ी है, तो पहले नंबर तो जो सीधा ट्रेन जाना था वो वापस उस ट्रेन पर हो गई, ये सबसे बड़ी गलती। तीसरी बड़ी गलती कि जब हादसे हो गए तो इमीडिएटली जो है ट्रेन दोनों साइड को रोकना चाहिए था कि भाई जो भी जाएगा टकराएगा, क्योंकि दोनों लाइन डिस्टर्ब है। जो मेलगाड़ी जो कोरामंडल एक्सप्रेस जो टकराई थी, वो उसके डब्बे चारों तरफ छितर भीतर हो गए थे। तो सीधी सी बात है, कोई भी ट्रेन वहाँ पर तीसरी नहीं आनी चाहिए थी। जो तीसरी ट्रेन आई, वो उसके पीछे भी जिसकी भी गलती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सर, क्या लगता है कि जिस देश में अपने बुलेट ट्रेन की जैसी आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, लगभग आ गई है, और वंदे भारत ट्रेन जो है रोज़ नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो रेलवे ट्रैक सिस्टम है इसको और सुधारने की ज़रूरत है? क्योंकि सुरक्षा कवच के हिसाब से, क्योंकि जो रेलवे लाइन पहले बिछाई हुई है, कवच सिस्टम जो अभी बात हो रही है, कवच सिस्टम होता तो नहीं होता, तो क्या लगता है आपको कि और सुरक्षा के हिसाब से क्या करना चाहिए? सर, अभी भारत की जो सिस्टम है जी, वो मॉडर्न हो रही है, कर रहे हैं, सबसे बड़ा रेल प्रणाली है भारत का। हाँ, मगर अभी आपको अगर गूगल में जाएंगे और ट्रेन एक्सीडेंट्स इन 2022 ऐसा डालेंगे वर्ल्ड ओवर, तो सर आपको कम से कम वर्ल्ड ओवर में कम से कम 10-5 हज़ार
10 एक्सीडेंट मिलेंगे एकदम, मतलब अमेरिका से लेके स्विट्ज़रलैंड से लेके लंदन से लेके पेरिस से लेके यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह आपको 5-10 हज़ार कम से कम एक्सीडेंट मिलेंगे। और उसमें ऐसी बहुत सारी जाने गई है। अभी उनकी ट्रेन की सिस्टम जो है वो मॉडर्न है कि नहीं है? तो है ना। मैं अमेरिका में सभी प्रकार की ट्रेनों से प्रवास किया हूँ और देखा है कि जब आता है समय तो क्या हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। सर, आने वाले दिनों में इनका सिस्टम ऐसा होने वाला है कि बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी। मेट्रो चल भी रही है, बट ट्रेन में भी ये सिस्टम होने जा रहा है कि आने वाले दिन में सिर्फ सेंसर से ट्रेन ही चलेगी। अब सेंसर के ऊपर कितना सुरक्षित अपन हो सकते हैं? सेंसर का कैसे, अभी अपनी गाड़ियाँ भी जो हैं, हम जब गाड़ी पीछे लेते हैं जी, तो अपने को स्क्रीन पे दिखता है और सेंसर भी बजता है। सेंसर बजता है और बाजू की गाड़ी एक फुट के अंदर भी आई तो सेंसर बजता है। तो सेंसर सिस्टम है जी, और ये है, मगर वो कितने स्पीड पे काबू कर सकती है और ये कर सकती है वो अलग बात है। सर, अभी क्या होगा, कल ये हादसा मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरे एक मित्र ने मेरे को एक्सीडेंट ऐसा ही एक वीडियो भेजा, उसमें विमान के एक्सीडेंट्स थे, ट्रेन के थे, कार्स के थे, और एक एक वीडियो में 50-50, 25-25 प्रकार के एक्सीडेंट दिखाए थे। तो मैं पिछले 30 साल में सर रेलवे में बैठा नहीं हूँ, 30 साल हो गए, 30 साल में मैं रेलवे में बैठा ही नहीं हूँ। क्यों, असुरक्षित समझते हैं? नहीं, मेरे से वो रेलवे नहीं जमती है मेरे को, अभी मेरी लाइफस्टाइल जो हुई है उसमें वो बैठती नहीं। कार में भी सर अभी ऐसा होता है कि एसयूवी है या कोई बड़ी कार है तो ही ठीक है, तो ही ठीक लगता है, छोटी कार में जाने को दिल नहीं करता है, करता जाता भी नहीं हूँ मैं। और कोई नेता अगर मुझे बोलता है कि फलाने गांव जाना है, तो मैं, अभी गणेश ने मुझे बोले सोलापुर चलना है, तो मैं बोला मेरे लिए हेलीकॉप्टर आप प्रोवाइड करो, तो उन्होंने किया था। ऐसे करते हैं, इतना भी अपना शौक रखते हैं। मगर वहाँ भी सर एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और नायक साहब या मनोहर जोशी, मेरे ख्याल से मनोहर जोशी और मैं गए थे हेलीकॉप्टर से। किधर सर, अभी हेलीकॉप्टर इस तरह से गोते मार रहा था कि सर को मैं बोला सर अभी आज आपकी न्यूज़ बनने वाली है हेडलाइन, आपके साथ मेरा भी नाम आने वाला है, मगर कैसे भी संभाला गया। सर, फडणवीस का हेलीकॉप्टर कई बार, हाँ 3 बार आज तक टकरा गए। एक बार केबल, वो केबल से नहीं, वो इलेक्ट्रिक के हाई टेंशन केबल इसको टकरा गया और नीचे आ गया। सर, हमारे 2 मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर, रेड्डी अपने आंध्र के जी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में गए, माधवराव सिंधिया मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर में गए, चार्टर प्लेन में गए। सर, ऐसी कोई सुरक्षित जगह ही नहीं है कि जहाँ पे हम सर रास्ता क्रॉस करते करते जाते हैं। और सर देखो, आदमी की मौत आती है तो जहाँ पे मौत है वहाँ मौत जाता है, ऐसा भी होता है। और मौत कहाँ आएगी ये हर एक के इसमें कहाँ लिखा है क्या मालूम। एक कहानी मैंने ऐसी सुनी थी कि एक पेड़ था, उसके नीचे बहुत बारिश हो रही थी करके सब लोग जमा हो गए जी, तो बिजली बार बार आती थी और वो पेड़ तक आती थी और रुक जाती थी और वापस जाती थी। तो लोगों ने आपस में, वो 10-15 लोग थे, उन्होंने विचार विनिमय किया कि आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, इसको गिरना है इधर, मगर हम में से एक के ऊपर गिरना है और बाकी लोगों को वो टच नहीं करना है क्योंकि उनकी मौत आई नहीं है। तो बोलेंगे हम एक काम करते हैं, एक एक करके बाहर निकलते हैं और अगर बिजली को गिरना है तो आप सुरक्षित रहेंगे, जो उधर जाएगा दूसरे पेड़ के पास उसके ऊपर गिरेगी तो कम से कम 14 लोगों की जान नहीं जाएगी। तो एक एक करके 14 लोग, एक अंदाजा कर रहे हैं, 14 लोग निकल गए, एक बच्चा रह गया अब 4-5 साल का। तो बोले बाप रे, अभी ये बिजली जो है उसके ऊपर आएगी, क्या करें, अभी उसके जीवन में मौत ही लिखा है। तब तक वो बिजली कड़कड़ कड़कड़ करके आई और ये पेड़ के नीचे गिरी जहाँ 14 लोग थे, वो उसकी जिंदगी थी करके उसको बचाने के लिए वो रुक रही थी और इस 14 लोग बच रहे थे उसकी वजह से उल्टा हो गया कि ये 14 के 14 मर गए, यहाँ पे लिखा है। सर, अब आते हैं रेलवे हादसे के ऊपर। सर, एक ये भी स्थिति सामने आई है रेलवे के लिए कि इतनी बड़ी रेल प्रणाली है हमारे देश की, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा नंबर आता है हमारे देश का,
लेकिन आज भी जो है 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है जगह खाली है, मतलब कि वर्कर नहीं है काम करने के लिए, मतलब तो भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं हुई है। सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नए नए लोगों से काम कराया जाता है, तो जब नए नए लोगों से काम कराया जाता है, नए नए लोग वहाँ पर बैठेंगे तो उनको हो सकता है ट्रेनिंग बराबर ना मिला हो, उनके साथ उनको जो है जो स्थिति है वो नहीं समझ में आई हो, तो कहीं ना कहीं सर ये नहीं लगता सरकार की ये भी कमी है, इस ओर ध्यान देना चाहिए सर। अभी फुल ट्रेन लोगों को जो एम्प्लॉयज लोग हैं, छप गया है कि भारत के राज्य और केंद्र प्रशासन में सब मिलके जी करीबन 25 लाख लोग कम हैं। 25 लाख, आप तो ये लोगों की बात कर रहे हैं, 25 लाख लोग कम हैं, मतलब सब डिपार्टमेंट में यही हाल है। और दूसरी बातें हो रही है कि इसकी प्रोविडेशन किया जाए, क्योंकि सरकारी एक बार एम्प्लॉय बन जाते हैं तो काम नहीं करते हैं, फिर वो खाना पूर्ति करते हैं। सर इतने साल रेलवे चली है ना, सरकारी नौकरों ने ही चलाई है जी, यहाँ तक लाए। बातें तो हो रही है, सरकार अभी कोई सेवा देना ही नहीं चाहता है। अभी बसेस का भी अपने यहाँ देखो ना, प्राइवेट बसेस आ रही है, वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेपो यूज़ करो, अपनी बस चलाओ, कंडक्टर हमारा रहेगा, ड्राइवर बस तुम्हारा। नहीं नहीं, कोई हमारा नहीं रहेगा, कंडक्टर तुम, ड्राइवर तुम, पैसा भी तुम, हमको इतना पैसा मैं देने आए, तुमकी गाड़ी चली या नहीं चली जी, ऐसा हो रहा है सर। वो अभी प्राइवेटाइजेशन का दौर तो हो गया है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए सुरक्षा के हिसाब से? सर फर्क पड़ता है प्राइवेटाइजेशन से। मैं अभी अमेरिका कम से कम अभी 60 बार गया हूँ, 58 बार गया था, अभी 60 बार हो गया। तो एयर इंडिया से जब भी गया मैं इसके पहले सर, बहुत शिकायतें थी मेरी, क्योंकि सरकारी थी। वो अभी पिछले साल टाटा ने ले लिए एयर इंडिया, और अभी परसों कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी करके टाटा की फ्लाइट से मैं एयर इंडिया से भारत आ गया। सर मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, इतना चेंज। पहले हमारा कोई टीवी नहीं चलता था, सर्विस नहीं होती थी, खाना पीना नहीं आता टाइम पे, पानी तक नहीं मिलता था, टॉयलेट्स गंदे होते थे विमान में। सर इस बार मैंने देखा कि जनरली मैं यूनिवर्सल या ये तुम्हारा दूसरे जो ये है उससे इतिहाद वगैरह इससे जाता हूँ, मगर इस बार मुझे लगा कि टाटा की वजह से वो एयर इंडिया का जो फ्लाइट था वो इतिहाद वगैरह इनकी फ्लाइट जैसा दिख रहा है। सर ट्रेन में भी जो तेजस एक्सप्रेस, तेजस ट्रेन है, तेजस प्राइवेट है वो ट्रेन। अच्छा वो भी अच्छी चीज़, वो भी एक प्रयास है कि अगर ये सक्सेस होता है। सर इसमें अभी 3 में से समझो तीसरी ट्रेन प्राइवेट होती थी और ये 2 की वजह से वो रास्ता ही था, तो तीसरी प्राइवेट होने के बावजूद वो तो होना ही था, होना ही था। बट एक प्रयास है कि मेरे ख्याल से टेस्ट है कि तेजस को अगर सक्सेस होती है तो बाकी भी और ट्रेनें जो है उस रूट पे जो है प्राइवेट ट्रेन चलाई जाए। तो प्राइवेट ट्रेन का मतलब अगर आप पूरा ट्रेन भाड़े से लेते हैं ना, तो आपको प्राइवेट ट्रेन से आज भी जा सकते हैं। आप वो गैरेलीज वगैरह के लिए जाती है ना, वो पूरा ट्रेन का बुकिंग हो जाता है, उसमें नाम से किसी का बुकिंग नहीं होता है, तो वो चालू हो जाए। प्राइवेटाइजेशन ये ऐसा है कि वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते क्यों, काम भरना पड़ता है वो, मगर प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो सब जाओ। सर अभी मराठी में हिंदी में इंग्लिश में कोई पत्रकार ऐसा नहीं है कि दावा करेगा कि मैं नौकरी पे हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मैं सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही है जी। वो दूसरों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मारते हैं मगर खुद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। तो बहुत हादसा बुरा था, मैं तो आहत हो गया। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे हादसे कभी ना हो। और जो सुरक्षा के हिसाब से जो है और भी सुरक्षा के जितने सिस्टम है, जैसे कवच सिस्टम है, ये सभी ट्रेनों में लागू किया जाना चाहिए। हो सकता है कि अगर कवच होता तो कोई एक ट्रेन जो है डाइवर्ट हो सकता था, जो एक्सीडेंट के उसको सिग्नल मिल सकता था कि आगे दुर्घटना। प्रधानमंत्री खुद गए हैं वहाँ पे, उन्होंने देखा है, वो सोच विचार वाले और दूर की सोचने वाले हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रेलवे प्रणाली में कुछ ऐसा करेंगे जी कि जिसकी वजह से ये अभी चुनाव बिना बाजू में रखो वो चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ अपने को सुरक्षा मिलेगी ऐसा लगता है मुझे। सर अभी एक आवाज़ उठ रही है एक अंदर से कि जो रेल मंत्री हैं वैष्णव जी, उनका जो है इस्तीफा देना चाहिए, ये कहाँ तक सही है इस सिचुएशन में? सर मंत्री के इस्तीफा, वहाँ पे जो घटना हुई उधर मंत्री था क्या? नहीं था।
उसका संबंध था क्या, उसको जानकारी थी, जवाबदारी लेना चाहिए कि हमने हमारे कार्यकाल में हुआ। शास्त्री एक ही थे जिन्होंने राजीनामा दिया जी, उसके बाद कम से कम 50 हो गए होंगे, किसी ने दिया नहीं। ममता थी उस समय भी हादसे हुए, उसने भी नहीं दिया, तो नहीं हुआ ना जी। तो सर ऐसा है कि अगर राजीनामा देना है तो रोज रेल का हादसा होता है कहीं ना कहीं, छोटा मोटा तो होता ही रहता है, तो रोज राजीनामा देना पड़ेगा, रोज मंत्री। बस का हादसा हुआ, परिवहन मंत्री को राजीनामा दो। एयरप्लेन का हुआ, हवाई संरक्षण मंत्री को राजीनामा दो। हमारे जवान मारे गए, संरक्षण मंत्री को राजीनामा दो। हमारे जवान नक्सलियों ने मारे, पुलिस का राजीनामा ले दो। सर इतना डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है इन्वॉल्वमेंट। और हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमारे यहाँ से हमारी गलती से भी, तो क्या हम हमारे हस्बैंडशिप का या फैमिली चीफ का राजीनामा दे के निकलते हैं या जवाबदारी लेते हैं उल्टे? बिल्कुल उल्टे, हम लोग ये बोलते कि नहीं इसके आगे गलती नहीं होगी, ये देखूंगा मैं, राजीनामा दे के भागना है क्या है? बिल्कुल नहीं। आज के सिचुएशन में सबसे पहले जो है रेलवे की सुरक्षा के ऊपर, और दूसरी बात जो वहाँ पर हादसा हुआ है, वहाँ उस घटनास्थल का जो है पुनर्निर्माण फिर जल्दी जल्दी होना चाहिए। हो जाएगा, बुधवार तक आ रहा है गाड़ियाँ। तो हमारा जो विश्लेषण यही था कि जो हादसा हुआ, रेल हादसा उड़ीसा में, उसी पर हम विश्लेषण कर रहे थे कि आखिर में हादसा कैसे हुआ, इसको बचाया जा सकता था, इसको मतलब कि तीसरी ट्रेन को भी रोका जा सकता था, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी चीज़ है जी कि जिसको टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो तो कुछ ना कुछ ना कुछ तो लोगों को मैंने देखा है जिंदगी भर हाई रॉक पे चढ़ के गए, मतलब एक तो उसका नाम नहीं याद रहा है करके हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है उसके ऊपर चढ़ के गया था जी। और अमेरिका में मैं था तब वो न्यूज़ आई थी कि जो हिमालय चढ़ के गया वो बाथरूम में गिर के मर गए। होता है हमेशा कोई भी चीज़ें कोई भी हादसे होते हैं तो यही होता है कि ये अगर नहीं होता तो चढ़ने वाला साला बाथरूम में गिर के मरे, क्या बोले उसको, तकदीर होती है, तकदीर होता है। तो हमारा जो विश्लेषण यही था कि जो उड़ीसा में जो घटना हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर में क्या तीसरी है, तीसरी रेल के ट्रेन को ये जो ऐसी घटना है ना जी, वो जो सिग्नल का लाइनमैन हो रहता है बदलने वाला, हाँ वो ऑटोमेटिक हो गया है वो सब, अब वो कैसे वो नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ उसके, क्योंकि मालगाड़ी जाने के बाद जो है वो सिग्नल को लेफ्ट होना चाहिए था, जबकि जो पीछे वाली गाड़ी है सीधा निकल जावे। तो मेरे ख्याल से जो मालगाड़ी वहाँ चली गई तो वो सिस्टम जो है वैसे के वैसे रह गया और गाड़ी जो है सीधा जाने के बजाय मालगाड़ी की पटरी चली गई और वो हादसा हुआ है, सबसे मेन कारण यही है। तो हमारे विश्लेषण का आपके प्रक्रिया क्या है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ नहीं, श्रद्धांजलि के सिवा कुछ कर नहीं सकते। क्या रेल हादसे आगे भविष्य में इसी चिंता का विषय बना हुआ है? तो हमारा जो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। एक बार फिर से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जो उड़ीसा हादसे में अपनी जान गंवाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।